आपने भी बहुत सारे रील वीडियोस देखा होगा जिसका बैकग्राउंड ब्लर होता है, जिससे कि वीडियो देखने में काफी बढ़िया लगता है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इनशॉट एप्लीकेशन में कैसे हम अपने वीडियोस का बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी स्टेप में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ग्राउंड को हम ब्लर करने वाले इनशॉट एप्लीकेशन में, तो इनशॉट को ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। देन वीडियो को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो आप एडिट करना चाहोगे उस वाले वीडियो को आप सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद इसे डन कर लेते हैं, ठीक है। और इसका आप बैकग्राउंड देख सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी एडिटेड नहीं है या फिर ब्लर नहीं है, ठीक है। तो ब्लर कैसे करें इसका बैकग्राउंड, तो बहुत ही सिंपल होगा ब्लर करना। आप सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन मिलता है ना, इसके ऊपर क्लिक करना। देन इफेक्ट वाले सेक्शन के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करते ही जाओगे तो आपको एक ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन में कहाँ पे स्टाइल में, ठीक है। स्टाइल में आप जाना एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लर मिल जाएगा, ठीक है। इस ब्लर को आप यहाँ पे सिंपली से ऐड कर देना, जितना आप चाहो उतना इसे ब्लर कर सकते हो, ठीक है। ब्लर कर लो एंड उसके बाद डन करना। और इसका जो ड्यूरेशन होगा उसे पूरा वीडियो के आप रख सकते हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा वीडियो के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में सिर्फ अप्लाई हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बट स्टेप हमारा यही होगा, फर्स्ट में हमें ये ब्लर इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लर इफेक्ट ऐड हो जाए देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक PIP का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना एंड उसके बाद अपनी वीडियो को फिर से सेलेक्ट करना है, सेम वीडियो को फिर से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेम वीडियो को सेलेक्ट कर दें एंड यहाँ पे हमें एक फिट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ये फिट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सा स्क्रॉल करना है एंड कटआउट का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना, देन यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेसिंग। देन उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वेट कर दें प्रोसेसिंग कंप्लीट होने का। सो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद सिंपली से आप डन करोगे एंड आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर हो गया, ठीक है। अब अगर इसका कंट्रोल करना है कि बैकग्राउंड को थोड़ा और ब्लर करना है तो आप यहीं पे फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना एंड ये ब्लर के ऊपर जाना, देन एडिट के ऊपर आप जाओगे, देन इसका वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा ब्लर, और इसका वैल्यू को आप डिक्रीज करोगे तो कम ब्लर होगा, ठीक है। तो इतना रखते हैं, काफ़ी बढ़िया है एंड उसके बाद इसे डन कर लेते हैं, ओके। और उसके बाद अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत आप अपनी वीडियो को एडिट कर लेना, जैसे कि वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। जैसे कि PIP के ऊपर हम जाते हैं एंड अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सिंपली सा फिल्टर के ऊपर जाके एडजस्ट पे जाते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो काफ़ी बढ़िया लग रही है एंड उसके बाद आप चाहो तो थोड़ा सा शार्पन को भी इंक्रीज कर देना, क्वालिटी भी बढ़िया हो जाएगा। ये दो चीज़ आप कर सकते हो एंड डन कर देना। एंड उसके बाद बैकग्राउंड को भी आप थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो, तो बैकग्राउंड को एडिट करने के लिए मेन वाली वीडियो के ऊपर आप क्लिक करना, फिल्टर के ऊपर जाना एंड एडजस्ट के ऊपर जाके आप यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ओके। सो सैचुरेशन को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें एंड ब्राइटनेस को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे एंड और कुछ करने की जरूरत नहीं होती, मतलब इतना से इनफ है। बट अगर आप चाहो तो HSL के ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर्स को आप एडिट कर सकते हो, सैचुरेशन बढ़ा देना और लुमिनस भी बढ़ा देना, ठीक है, इन कलर्स का। एंड उसके बाद आप डन करोगे देन आप देख पाओगे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा से एडिट हो गया, तो आपकी वीडियो काफ़ी बढ़िया लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत एडिटिंग भी कर सकते हो, जिससे कि वीडियो और बढ़िया लगे, ब्लर हो जाए साथ में बढ़िया भी लगने लगे। तो इस तरीके से ब्लर किया जा सकता है बैकग्राउंड को, बहुत ही सिंपल था। अब उसके बाद सिंपली सा सेव वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से इसे सिंपली सा सेव कर सकते हो, ओके। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड बहुत ही ईजी मेथड में मैंने आपको दिखा दिया कि आप अपने बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हो। तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।